गाइस कैसे हो आप लोग। और आज एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और दिखाने को कुछ है नहीं, लेकिन ये देखो, ये हमारा नन्ना मुन्ना सा भतीजा। तो दिखाने को तो कुछ है नहीं, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि व्लॉग भी शूट करना है और कुछ ना कुछ कंटेंट डालना है। तो एक नई नई डिश लॉकडाउन के अंदर मैं बना के देख रहा हूँ। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने मलाई कोफ्ता की फ़ोटो डाली थी, लेकिन उसकी रेसिपी शूट नहीं कर पाया मैं किसी वजह से। तो आज देखो, और जो जो बनाएगा मुझे टैग करना। फ़िलहाल मैंने लिए हैं 4 प्याज और कुछ उबले हुए आलू हैं, ये जीरा है, ये लौंग है, ये इलायची है, काली मिर्च का पाउडर और ये दालचीनी का पाउडर और काजू है, और जिसमें डलेगा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो और ये नमक है, और ये सारे आइटम सिर्फ ग्रेवी के लिए। और अभी मैं इसको फ्राई करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया है और थोड़ा सा मक्खन डाल दिया है, रिफाइंड के साथ थोड़ा सा मक्खन। और इसकी जो फ्लेम है थोड़ा हाई फ्लेम रखेंगे गैस का, ताकि जब ये प्याज वगैरह इसके अंदर जाए तो अच्छे से पक सके। तो मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर प्याज, तो फ्रेंड्स अभी मेरी मम्मी ने बोला है कि इसको धीमी आंच में पकाना है, तो मैं धीमी आंच में पका रहा हूँ। और इसी के साथ मैं इसके अंदर दालचीनी, काली मिर्च और ये इलायची जो है, और ये अपना जीरा और लौंग इकट्ठा डाल देता हूँ, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन, एक हाथ में प्लेट, जो कि मेरे से हो नहीं पाएगा, बहुत मेहनत का काम है। तो इसके लिए कलछी दीजिए ज़रा मम्मी। तो फ्रेंड्स, कलछी आ गई है हमारे पास। तो मैं फ्राई कर रहा हूँ इसको, प्याज को, और मैंने फ्लेम लो किया हुआ है, आप ध्यान रखें कि जला मत दीजिएगा। और सॉरी, मैं आपको काजू डालना तो भूल ही गया, काजू भी डालने हैं। तो काजू भी फ्राई होंगे, तो मैंने लो फ्लेम किया हुआ है, आपको थोड़ा सा हाई कर देता हूँ मैं। तो अब फ्राई करते रहना है आपको 10 से 20 मिनट तक, 20-25 मिनट तक फ्राई करना है आपको। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी मम्मी ने एक चीज़ और बताई है कि इसके अंदर ये बीज भी डालेंगे। किस चीज़ के बीज हैं ये? खरबूजे के। तो ये खरबूजे के बीज भी डालेंगे। अब मेरे को इसका इफेक्ट नहीं पता, पता नहीं टेस्ट के लिए है क्या। और यहाँ साथ में चाय भी बन रही है, आप पी भी सकते हैं चाय। तो मैं फिर से इसको हिलाए जा रहा हूँ, फ्राई किए जा रहा हूँ। इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और करनी है, इसके ऊपर प्लेट ढक के रख देनी है, ताकि ये लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकती रहे। देखिए, तब तक हम आलू मैश कर रहे हैं, मेरी मम्मी आलू मैश कर रही हैं। अच्छा, इसमें अभी हमने नमक, काली मिर्च डाल दी और मैदा डलेगी अभी इसके अंदर, और इनको हमने मैश कर दिया। और ये भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं। आलू के अंदर मैंने 2 ब्रेड के पीस डाल दिए, ताकि ये ढंग से फ्राइड हो जाए और थोड़ी थिकनेस भी आ जाएगी इसके अंदर। और आप ध्यान रखिएगा, आलू आपको 2 घंटे फ्रिज में रखने हैं उबालने के बाद, ताकि सारा का सारा मॉइस्चर जो आलू का है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि उबले हुए आलू आप सीधा अगर तलने के लिए डालोगे तो वो सारे ख़राब हो जाएंगे। ध्यान रखना कि हाई फ्लेम पर होनी चाहिए गैस, जिससे कि जब आप आलू डालो तो वो एकदम से पक जाए। और आपको मैं दिखा रहा हूँ आलू कैसे करने हैं। ये एक हमने गोला गोला सा बनाया हमने आलू का, और यहाँ पे रख दिया इसके साथ, अरारोट के साथ, जैसे कि मेरी मम्मी बना रही हैं अभी, आप देख ही सकते हैं। तो
उसको झाड़ देना है अच्छे से, जो उसके ऊपर परत होगी वो झड़ जाएगी। उसके बाद इसको प्लेट में रख देंगे हम, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड घुमाते जाना है इसको। तो ऐसे ही करते करते यही प्रोसेस है आलू बनाने का, कोफ्ते बनाने का। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा तीन चार डालने हैं, तीन या चार से ज़्यादा नहीं डालने वरना फटने का डर हो सकता है, कोफ्ता फट भी सकता है आपका। तीन चार से ज़्यादा नहीं डालने आपको। ये देखो फ्रेंड्स, अंदर से इतना सॉफ्ट है ये कोफ्ता जो कि होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा तेल छोड़ दिया है ताकि ग्रेवी जब डले तो वो चिपके ना। तो देख सकते हैं कैसा कलर आया है बढ़िया सा। ये ग्रेवी हमें चलाते रहनी है हमेशा, जब तक ढंग से ये पक नहीं जाती ग्रेवी। और हमें लो फ्लेम पे ध्यान रखना, लो फ्लेम पे पकानी है हमें ग्रेवी और चलाते रहें। ये गरम मसाला डल रहा है फ्रेंड्स, ये धनिया पाउडर डल रहा है फ्रेंड्स, ये काली मिर्च डल रही है फ्रेंड्स, और ये नमक डल गया आखिर में। और अगर आपको थोड़ा येलोइश ग्रेवी चाहिए तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं इसके अंदर, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने नहीं डाली। और आप ध्यान रखना इसको चलाते रहनी है ग्रेवी को हमेशा, ग्रेवी चलाते रहो, पूरे टाइम मंदी आँच में सेकनी है लो फ्लेम पर, ताकि इसके अंदर अभी हम दही डाल रहे हैं, एक कटोरी दही, जिससे कि दही फटे ना इसके अंदर, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने सब मसाले डाल दिए इसके अंदर, अब इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे लो फ्लेम में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है और पहले से और ज़्यादा गाढ़ी हो गई है ग्रेवी। तो फ्रेंड लास्ट में हम एक काम करेंगे बस, कि हम चीनी डालेंगे, थोड़ी सी मिठास आ जाए इसके अंदर। आधी कटोरी चीनी डाल दी है और ग्रेवी का आप मज़ा देखना फिर। फ्रेंड्स ग्रेवी बहुत टेस्टी बनी है और मीठा भी बहुत सही है। मीठा जो चीनी हमने डाली थी ज़्यादा या 2 या 3 चम्मच डाली थी, और ग्रेवी बहुत बढ़िया बनी है। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि कोफ्ते आप पहले कटोरी में डाल देना, ग्रेवी उसके ऊपर से डालना हो। अगर आप कोफ्ते ग्रेवी में डाल दोगे तो सारे कोफ्ते फट जाएंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो फ्रेंड मलाई कोफ्ता बहुत टेस्टी बना है, इस रेसिपी को ज़रूर एक बार घर में ट्राई करना और इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे को टैग करना और फोटो वगैरह डाल के मुझे टैग करना इंस्टाग्राम अकाउंट में। आपको यहीं आसपास कहीं दिख रहा होगा इंस्टाग्राम मेरा। और इस समय तो टूर वगैरह सब, ट्रैवलिंग वगैरह सब ख़त्म है, तो लॉकडाउन ऐसे चल रहा है, तो
फूड आइटम्स पे मैं दिखा रहा हूँ अपने व्लॉग्स। चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, धीरे धीरे बढ़ाओ आगे अपने भाई को। थैंक यू सो मच।